क्या लगता है, अहंकार का टूटना इतना आसान है? नहीं, इसके टूटते टूटते बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है। यही अहंकार, ईगो, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। माना कि इससे हम बहुत सारे अनचाहे असंभव कार्य कर सकते हैं, परंतु हम पॉजिटिव, यदि नेगेटिव हुआ तो वो बुढ़ापे में आपका सबसे बड़ा शत्रु बनकर उभरेगा, जिससे आपका जीतना लगभग नामुमकिन है। चलिए एक कार्य से अवगत कराता हूं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें काम नहीं मिलता। गलत, काम तो आपको मिलता है, पर आपके उस नेगेटिव ईगो की वजह से आपसे दूर चला जाता है और फिर आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए उसका भार अपने बच्चों पर डालने लगते हैं। ठीक है, डाल सकते हैं, हक है आपका, लेकिन पहले ये तो देख लीजिए क्या वे तैयार हैं इन सब के लिए। कहीं ऐसा ना हो जो जिम्मेदारी का भार आपने उन्हें सौंपा था वो कहीं बोझ ना बन जाए, जिसके कारण ये भी उसी नेगेटिव ईगो के शिकार हो जाए, जिसके शिकार आप वर्षों पहले हो चुके थे। एक नेगेटिव ईगो आपकी पूरी फैमिली का आज और कल सब बर्बाद कर देता है। तो आज ही खुद से वादा कर, नेगेटिव ईगो को अपने आसपास भी नहीं भटकने देगा। एक पॉजिटिव ईगो से तू बहुत कुछ कर सकता है। परिवार का प्यार, लोगों का अच्छा नजरिया, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, जो जिंदगी में बहुत मायने रखती है।